मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के फॉरेस्ट एरिया अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की दहशत निरंतर बढ़ती जा रही है। जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आकाशकोट माली में देर रात तेंदुआ आदिवासी युवक कमलेश सिंह के घर में घुसकर पालतू बकरी पर हमला कर दिया, जहां बकरी की मौत हो गई। शिकारी तेंदुआ अन्य किसी शिकार के तलाश में सुबह होने तक आदिवासी के घर में ही बैठा रहा। उसी दौरान ग्रामीणों ने शोरगुल मचाया तो तेंदुआ मौके से जंगल की तरफ भाग गया। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने चर्चा के दौरान बताया कि तेंदुआ अभी भी आसपास एरिया में ही है, उसकी आवाजें दूर तक सुनी जा रही है। अभी हाल ही में ग्राम निम्हा स्कूल के पास तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया था और देर रात पेड़ से उतरकर जंगल के तरफ चला गया, जिससे लोग भयभीत नजर आ रहे थे। सूचना मिलते ही सुरक्षा की दृष्टि से फॉरेस्ट एवं पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहा और तेंदुओं को दूर भागने के प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। हाँ, एक सूचना ऐसी आई है कि थाना कोतवाली के ग्राम घोघरी में एक तेंदुआ जो है पेड़ पर चढ़ गया है, तो वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से फॉरेस्ट भी पहुँच गई है। फॉरेस्ट वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे कोतवाली से भी पुलिस वहाँ पहुँच गई है। तेंदुआ का स्वभाव है पेड़ में चढ़ने का, और पेड़ में चढ़ के जो है कुछ देर बाद उतर के वो चला जाता है। वन क्षेत्र में ही तेंदुआ की सूचना मिल रही है, कहीं और किसी गांव के आसपास तेंदुआ विचरण करने की सूचना भी नहीं मिली है। तो स्वाभाविक है कि वो उतर कर जो है जंगल में कहीं और आगे चला जाएगा। आपके पूरा हमला जो है उसकी देख रेख में लगा हुआ है, ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना न करना। वन विभाग जहाँ जितनी भी बस्तियाँ हैं उस बस्तियों के जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तार की फेंसिंग वगैरह है, चौकियों की व्यवस्था है, ताकि इस तरह की घटनाएं न हो सकें और किसानों में या वहाँ के लोगों में किसी तरह की दहशत पैदा न हो। किसान जो बेचारे अपनी खेती करते हैं, वो खेती के रखवाली के लिए वो दिन रात मतलब एक तरह से प्रयास करते हैं, परंतु कभी कभी वो भी शिकार हो जाते हैं। तो हमारे जिले की सबसे बड़ी समस्या है कि वन विभाग में या वन क्षेत्र से जो इस तरह की घटनाएं कभी शेर के माध्यम से, कभी तेंदुओं के माध्यम से, कभी भालुओं के माध्यम से आए दिन क्या है शिकार होते हैं, बस्तियों में घुस जाते हैं, कई तरह घटनाएँ होती हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसमें जो वन विभाग है विशेष रूप से सक्रियता बरते और जो भी सुरक्षा के उपाय हों, उचित कारगर हों, उसका वो प्रयास करें, जिससे आम जनता जो है जनजीवन यहाँ का एक सामान्य रूप से अच्छे ढंग से जीवन अपना कर सके, रह सके। यहाँ ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। वहाँ एक माँ है और उसके दो बच्चे हैं जो काफ़ी दिनों से वहाँ पर लगातार मूवमेंट में रहे और इस समय पर कुछ ज़्यादा सक्रिय हैं, जिस कारण वहाँ के लोग भयभीत हैं। निगहरी हो गई, सिलपरी है, ये आपका पठारी कला है, मैंने तमाम सारे ये जितने भर गांव हैं वहाँ के जो मजदूर हैं, किसान हैं, ये अपनी खेती बाड़ी करने में थोड़ा सा असक्षम हो रहे हैं, इसलिए कि भय है उनको इतना कि कहीं ये हम लोगों के ऊपर ना आक्रमण कर दें। अभी शायद पता चला है कि जो फॉरेस्ट की टीम है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो कुछ भगाने में लगी हुई है। फॉरेस्ट वाले भी ताला से कुछ आए हुए लोग हैं जो उसका सहयोग करके उसको भगाने का काम कर रहे हैं।